बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट आसिम रियाज बिग बॉस 13 से जुड़ी हर एक यादों को डिलीट कर देना चाहते हैं अपने मेमोरी से, चाहे वो यादें सिद्धार्थ शुक्ला के साथ की हो, रश्मि देसाई के साथ की हो, शहनाज गिल के साथ की हो। बिग बॉस सीजन 13 के हर एक कंटेस्टेंट्स को भुला देना चाहते हैं। चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आखिरकार अभी रिसेंट इंटरव्यू के दौरान आसिम रियाज से कुछ सवाल पूछे गए और उन सवालों में बिग बॉस 13 से जुड़ी हुई कुछ बड़े सवाल थे। जैसे कि उनसे पूछा गया सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, शहनाज के बारे में, रश्मि देसाई के बारे में, हिमांशी के बारे में, इन तमाम लोगों के बारे में उनसे उनका व्यू पूछा गया, जिस पर आसिम रियाज ने क्लियरली कट टू द पॉइंट ये बातें कह दी कि मैं बिग बॉस सीजन 13 को याद नहीं करना चाहता, उनसे जुड़ी हर एक यादों को मैं भुला देना चाहता हूँ। मुझसे जुड़ी जितनी भी यादें हैं बिग बॉस 13 की, वो जितने दिन मैंने बिग बॉस में बिताए हैं, मैंने सिर्फ उतने ही दिन बिग बॉस को याद किया है, लेकिन बिग बॉस के घर से निकलने के बाद फाइनली मैं उन तमाम यादों को भूल चुका हूँ और मैं फिर से उन सभी मेमोरीज को याद नहीं करना चाहता हूँ। चाहे वो आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्ती हो, चाहे वो उनकी दुश्मनी हो, या फिर शहनाज गिल के साथ उनकी नोकझोंक हो, या फिर रश्मि देसाई के साथ उनकी बॉन्डिंग हो, तो हर एक मेमोरी कहीं ना कहीं आसिम रियाज अपने जहन से निकाल चुके हैं एंड वो बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी कोई भी बातें स्पेशली नहीं करना चाहते हैं। तो अभी रिसेंट दिए गए इंटरव्यू में आसिम रियाज ने दिया है ये बड़ा बयान, डिलीट बटन दबा दिया है उन्होंने बिग बॉस सीजन 13 से जुड़ी हर एक मेमोरी पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आसिम रियाज के ऐसे रिएक्शंस पर, ऐसे स्टेटमेंट्स पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।